नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार पुनः टाइप तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव निरंजन आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपसे बात करने आए हैं मुख्य रूप से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो कि 21 जून को संभावित है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, और इस परीक्षा को देखते हुए हमारे संस्थान के द्वारा बैच चलाया जा रहा है प्रारंभिक परीक्षा के लिए और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए। तो आज बेसिकली मैं आपसे बात करने आया हूं प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो पिछले वीडियो मैंने तापमान को आपको समझाया था कि तापमान होता क्या है, सूर्य तप क्या होता है, इंसुलेशन क्या होता है, और जब वो धरातल पर आता है तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, कहां पर तापमान अधिक है, कहां पर तापमान कम है, और कौन कौन से कारक उसको प्रभावित कर सकते हैं। ये सारी वार्तालाप हमारी आपसे हुई थी। उसी के आगे एक नया चैप्टर उसी से संबंधित, और चैप्टर का नाम है एल्बिडो। क्या नाम है? एल्बिडो। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। एल्बिडो का जो फुल फॉर्मूला होता है वो होता है पृथ्वी के द्वारा परावर्तित सौर ऊर्जा अपॉन कुल प्राप्त सौर ऊर्जा, यानी पृथ्वी के द्वारा परावर्तित सौर ऊर्जा और पृथ्वी को कुल प्राप्त सौर ऊर्जा के अनुपात को क्या कहा जाता है कि अनुपात को एक नाम दे दिया गया। और नाम क्या दे दिया गया? नाम दे दिया गया एल्बिडो। क्या नाम दे दिया गया? नाम दे दिया गया एल्बिडो। ठीक ना? तो पहले तो हमें समझेंगे कि प्रकाश आ रहा है, परावर्तित हो रहा है, कैसे ये घटनाएं होती हैं। तो इन घटनाओं को सबसे पहले समझ लेते हैं। ये बाबू आपके पास सूर्य है, यहां पर सन है, और यहां पर हमारी पृथ्वी है। यहां पर हमारी क्या है? यहां पर हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, और हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या पाया जाता है? तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। जब सूर्य के द्वारा प्रकाश आता है तो कुछ प्रकाश ऐसा होता है जो वायुमंडल के द्वारा ही परावर्तित हो जाता है, और कुछ प्रकाश आता है जो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी की सतह पर टकराता है। और ये जो पृथ्वी की सतह पर प्रकाश टकराता है, इस प्रकाश में से कुछ प्रकाश को पृथ्वी अवशोषित करती है और कुछ प्रकाश को क्या करती है? कुछ प्रकाश को पृथ्वी परावर्तित कर देती है। क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। अगर हम मान लें कि सूर्य के द्वारा हमें 100 यूनिट का प्रकाश आ रहा, हमारे पास सूर्य के द्वारा कितने यूनिट का प्रकाश आ रहा है? 100 यूनिट का प्रकाश आ रहा है। ठीक ना? जब इस 100 यूनिट का प्रकाश आएगा तो कुछ प्रकाश परावर्तित हो जा रहा है। लगभग कितने प्रतिशत या कितनी यूनिट? 35 यूनिट प्रकाश परावर्तित हो जाता है। और 35 यूनिट जब प्रकाश परावर्तित हो जाएगा तो प्राप्ति कितने की होगी? प्राप्ति होगी 65 की। इस 65% प्रकाश को हमारी पृथ्वी अवशोषित करती है। क्या करती है? अवशोषित करती है। तो जो प्रकाश आ रहा है और जो प्रकाश परावर्तित हो जा रहा है उसको ही क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है एल्बिडो। तो अगर हम कहें कि कुल प्राप्त सौर ऊर्जा, पृथ्वी को कितनी सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है? सूर्य के द्वारा कितना प्राप्त आ रहा है? 100, और परावर्तित कितना हो जा रहा है? परावर्तित होता जा रहा है 35। इसको हम दशमलव यानी परसेंटेज में निकालते हैं। यहां पर कितने का गुणा किया? तो गुणा किया हमने 100 का, तो 100 से 100 कैंसिल, तो पृथ्वी का एल्बिडो कितना आ गया? तो पृथ्वी का एल्बिडो आ जाता है 35%। यानी जितना भी प्रकाश सूर्य के द्वारा आएगा, अगर हम 100 इकाई मान लें तो 35, जितना भी प्रकाश सूर्य के द्वारा आएगा उस सूर्य के प्रकाश का मात्र 35% ही पृथ्वी को क्या होता है? प्राप्त होता है। इसी को क्या नाम दिया जाता है? इसी को नाम दिया जाता है एल्बिडो। क्या नाम दिया जाता है इसको? इसको नाम दिया जाता है एल्बिडो। अब मैं आपको थोड़ा सा फिजिक्स समझा रहा हूं और इस फिजिक्स को थोड़ा सा अच्छे समझिएगा। दो चीजें हैं, एक होता है परावर्तन जिसको हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है अवशोषण। परावर्तन और अवशोषण, ठीक ना? एक परावर्तन होता है, एक अवशोषण होता है। परावर्तन मतलब क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है जैसे ही प्रकाश आया और प्रकाश टकराया, टकराने के बाद उसका लौट जाना। यानी परावर्तन का मतलब होता है लौटना, किसी भी चीज का लौटना परावर्तन कहलाता है। और अवशोषण क्या कहलाता है? किसी भी चीज को क्या कर लेना? किसी भी चीज को ग्रहण कर लेना। तो किसी भी को ग्रहण कर लेने को हम अवशोषण कहते हैं, परावर्तन को क्या कहते हैं? परावर्तन को हम कहते हैं लौटाना। ठीक ना? अब समझिएगा, अगर मान लीजिएगा, अगर मैं ये कहूं कि आमतौर पर आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि गर्मियों में हम सफेद शर्ट पहनते, क्यों? क्योंकि गर्मियों में आप जो हल्के रंग के कपड़े या सफेद शर्ट पहनते हैं,
जैसे ही हमारे शर्ट पर प्रकाश पड़ता है, अधिकांश प्रकाश को हमारी शर्ट क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। तो अगर हमारी शर्ट प्रकाश को परावर्तित कर देगी तो अवशोषण क्या होगा, कम होगा, यानी लौटाना अधिक होगा तो ग्रहण करना कम होगा। यानी परावर्तन और अवशोषण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, परावर्तन एवं अवशोषण एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये बात होगी पहली बात, ठीक ना। दूसरी बात समझिएगा, जिस चीज से भी, जिस वस्तु से भी यदि परावर्तन अधिक होगा तो उसका अवशोषण अधिक होगा। और दूसरी बात आपको याद ये रखनी है कि यदि किसी भी वस्तु से, यदि किसी भी से भी परावर्तन अधिक होगा तो सीधी सी बात है वहां पर ऊर्जा की प्राप्ति कम होगी। यानी जहां पर परावर्तन अधिक होगा वहां पर ऊर्जा की प्राप्ति क्या होगी, वहां पर ऊर्जा की प्राप्ति कम होगी। और जहां पर ऊर्जा की प्राप्ति कम होगी सीधी सी बात है वहां का तापमान क्या होगा, वहां का तापमान कम होगा। और अवशोषण की बात करें, किसी चीज को ग्रहण करना, अगर आप गर्मी में काली शर्ट पहन लेते हैं तो काली शर्ट क्या करती है, जो भी आपके शरीर पर प्रकाश पड़ता है उस संपूर्ण प्रकाश को वो ग्रहण कर लेती है। ग्रहण कर लेती मतलब क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है या अवशोषण कर लेती है उसका। तो जब उसका अवशोषित कर लेगी या अवशोषण करेगी तो आप देखिएगा, जब गर्मी में आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो आपको गर्मी लगने लगती है, यानी आपकी बॉडी का ये टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगी, यानी ऊर्जा की या ऊष्मा की प्राप्ति यहां पर अधिक होगी। जब यहां पर ऊष्मा की प्राप्ति अधिक होगी तो सीधी सी बात है यहाँ का टेम्परेचर भी क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा। यानी यदि परावर्तन में तापमान कम होता है तो अवशोषण में तापमान अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। चलिए अब इतनी बातों को याद रखे रहिएगा। यहां देखिएगा, यदि एल्बिडो में हम कुल प्राप्त सौर ऊर्जा को कांस्टेंट मान लें, तो एल्बिडो का सीधा संबंध हो जाएगा सूर्य के द्वारा परावर्तित सौर ऊर्जा से। सूर्य के द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा से क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इसका संबंध हो जाएगा। यानी हम नेक्स्ट पेज में लिख सकते हैं कि जो एल्बिडो है इसका सीधा संबंध हो गया किससे, परावर्तन से। और हम जानते हैं कि परावर्तन और अवशोषण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इसका सीधा संबंध हो गया किससे, इसका सीधा संबंध हो गया अवशोषण से। क्या हो गया, इसका सीधा संबंध हो गया अवशोषण से। और अगर हम देखें तो जहां पर परावर्तन है वहां पर तापमान कम है, तो यहां से हम एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं कि परावर्तन का, आपको सब समझ में आएगा, परावर्तन का विपरीत संबंध होता है किससे, परावर्तन का विपरीत संबंध होता है तापमान से। परावर्तन का विपरीत संबंध होता है किससे, तो परावर्तन का विपरीत संबंध होता है तापमान से। तो परावर्तन है तो इसका विपरीत संबंध हो गया तापमान से, और तापमान का सीधा संबंध होता है अवशोषण से। आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले को आप कहीं भी लगाइएगा, हमेशा इससे आंसर आएंगे। आपको आंसर मिलेंगे 1/तापमान, ठीक ना। कहने का मतलब यह है कि अगर एल्बिडो अधिक होगा तो परावर्तन अधिक होगा, अगर परावर्तन अधिक होगा तो अवशोषण कम होगा, और अवशोषण कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, यहां से हम 2-3 बातें अच्छे समझ सकते हैं, कि जहां पर भी एल्बिडो अधिक होगा, यानी और सौर ऊर्जा, सूर्य के द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा और परावर्तित सौर ऊर्जा का जहां पर भी अनुपात अधिक होगा वहां पर सीधी सी बात है परावर्तन अधिक होगा, और जहां परावर्तन अधिक होगा वहां पर अवशोषण कम होगा, और जहां परावर्तन अधिक होगा वहां का टेम्परेचर हमेशा कम होगा। सफेद शर्ट के उदाहरण से आप स्पष्ट इसको समझ सकते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा, आपका एग्जामिनर पूछता है काली मृदा, एक प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको, काली मृदा, रेतीली मृदा, उपरोक्त सभी। आपको एक प्रश्न दिया गया, एक प्रश्न है पीसीएस परीक्षा पूछा गया है, काली मृदा, लाल मृदा, रेतीली मृदा, उपरोक्त सभी पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का परावर्तन अधिक होगा, यानी किस मिट्टी का एल्बिडो अधिक होगा, परावर्तन अधिक होगा, दूसरे शब्द में पूछ रहा है किस मिट्टी का अवशोषण कम होगा, या सॉरी अवशोषण हाँ कम होगा,
परावर्तन अधिक होगा, पूछ रहा है किस मिट्टी का तापमान कम होगा, बताएं किस मिट्टी से परावर्तन अधिक होगा। तो अगर हम बात करते हैं एल्बिडो या परावर्तन की, तो आपको एक बात याद रखनी है कि एल्बिडो या जो परावर्तन है वो हल्के रंग एवं चिकनी सतह है, हल्के रंग एवं चिकनी सतह है पर निर्भर करता है, आप बता दीजिएगा इनमें से हल्का रंग किसका है, तो रेतीली मिट्टी का, ये डार्क है, काला डार्क है, लाल डार्क है, किसका रंग हल्का है, रेतीली, तो इनमें से सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका हो जाएगा, रेतीली का एल्बिडो अधिक होगा, यानी इससे जैसे ही रेतीली मिट्टी पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा अधिकांश प्रकाश को क्या कर देगी, परावर्तित कर देगी, अगर परावर्तित कर देगी तो अवशोषण कम होगा तो तापमान अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक ना। चलिएगा अगला देखिएगा, ये कह रहा है साफ हिमाच्छादित सतह है, साफ हिमाच्छादित सतह है ठीक ना, और ये कह रहा है प्रदूषित हिमाच्छादित सतह है, जो प्रदूषित हो गई है, प्रदूषित हिमाच्छादित सतह है ठीक ना, एक प्रदूषित हिमाच्छादित सतह है, दो ही कह रहा है, बताइए कहां का अधिक होगा, कहां का एल्बिडो यानी कहां का परावर्तन अधिक होगा, साफ हिमाच्छादित सतह का, क्योंकि जो साफ हिमाच्छादित मतलब हिम से ढकी हुई जो साफ सतह होगी वो चिकनी होगी, और जबकि प्रदूषित जो सतह होगी वो खुरदुरी होगी, उसमें प्रदूषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, इसलिए वहां से परावर्तन कम होगा और साफ सतह से परावर्तन अधिक होगा, साफ सतह से परावर्तन अधिक हो जाता है ठीक ना। अगला देखिएगा, हमने लिखा हल्के रंग एवं चिकनी सतह, आप देखिएगा सिनेमाघर, कभी आप लोग टॉकीज या सिनेमा घर गए होंगे तो सिनेमा घर जो होते हैं सिनेमा घरों पर चिकनी दीवारें नहीं बनाई जाती हैं, बल्कि सिनेमा घरों पर जो ऊपर देखिएगा जो छत होती है उस पर कालीन लगाया जाता है या कारपेट लगाया जाता है, और जो दीवारें होती है चार दीवारी होती है उन पर भी कारपेट लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि जब साउंड बजेगा, जब आवाज आएगी तो उस आवाज का परावर्तन ना हो इसके लिए सतह को या तो खुरदुरा बना दिया जाता है या क्या कर दिया जाता है उस पर कालीन लगा दी जाती है, या तो खुरदुरा बना दिया जाता है या कालीन लगा दी जाती है। अगर मान लीजिएगा सतह चिकनी रह गई, अगर सतह जिस प्रकार से कमरों की सतह चिकनी होती है, जिस प्रकार से इस कमरे की सतह चिकनी है, अगर चिकनी सतह हो जाएगी तो चिकनी सतह होगी तो वहां से परावर्तन अधिक होगा, और जब वहां से परावर्तन अधिक होगा तो बार बार आवाज गूंजेगी। एक और मैं उदाहरण बताता हूं आप लोगों के पास, जैसे दीपावली का टाइम आता है, हम लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, तो आप देखिएगा जब आप घर की सफाई अपने कमरे की सफाई कर रहे होते हैं तो पूरे सामान को जब बाहर निकालते हैं, जब कमरे में बोलते हैं तो गूंजती है आवाज, आपकी आवाज गूंजती है तो आपकी आवाज गूंज रही है, मतलब परावर्तन क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, और अवशोषण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जैसे ही आप उस कमरे में बहुत सारा सामान रख देंगे तो वो सामान क्या करते हैं, आपकी ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं, और जब आपकी ध्वनि को अवशोषित कर लेंगे तो सीधी सी बात है कि परावर्तन अधिक नहीं होगा, अवशोषण का दर अधिक हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जो सिनेमा घर वाला बताए कई बार फिजिक्स में पूछ लिया जाता है, और ज्योग्राफी का जो फिजिकल वाला पोर्शन है ये पूरा का पूरा फिजिक्स पे बेस होता है, ठीक ना। अगला देखिएगा, मैंने यहां पर एक बात लिखी है, पृथ्वी के द्वारा परावर्तित सौर ऊर्जा और कुल प्राप्त सौर ऊर्जा के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। धरातल क्या करता है, ये देखिएगा, ये हमारा नंबर है यूपीपीसीएस प्री, अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो 9170509670 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से एंट्री करनी है, आपको एडमिशन की पूरी प्रक्रिया समझा दी जाएगी, ठीक ना। अगला समझिएगा, मान लीजिएगा ये सतह है, और मान लीजिएगा यहाँ पर सतह है, और मान लीजिएगा ये सूर्य है, एक सतह है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सूर्य है, सन है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो अभी मैंने बताया कुछ प्रकाश को वायुमंडल के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है, और कुछ प्रकाश धरातल पर आता है। धरातल भी क्या करता है, धरातल दिन के समय,
धरातल दिन के समय क्या करता है, दिन के समय धरातल ऊष्मा को अवशोषित करता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है और दिन के समय, दिन के समय धरातल ऊष्मा को अवशोषित करता है, ऊष्मा यानी ऊर्जा, ऊर्जा को क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित करता है, ऊर्जा यानी ऊष्मा को अवशोषित करता है एवं रात के समय, एवं रात के समय धरातल ऊष्मा या ऊर्जा को, ऊष्मा या ऊर्जा को क्या करता है, परावर्तित कर देता है, परावर्तित करता है, या हम कह सकते हैं धरातल से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा को उत्सर्जित कर देता है, बाहर निकालता है, ठीक ना। अब समझिएगा ये प्रक्रिया होती है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में धरातल बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, ये बात हम पहले बताए, क्योंकि धरातल ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। अब मान लीजिएगा ग्रीष्म ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु में दिन भर सूर्य, जब सूर्य की रोशनी दिन भर धरातल पर पड़ी तो धरातल गर्म हो जाएगा, और जैसे ही रात आएगी तो धरातल धीरे 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 ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा, और सुबह के 4-5 बजे धरातल एकदम से ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिन के समय जितनी भी ऊष्मा को अवशोषित कर किए रहता है, पूरे रात काल में जब जब से सूर्यास्त होता है 7-7:30 बजे से लेकर, तब से वो लगातार ऊष्मा को क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, धरातल से ऊष्मा को क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, और धीरे 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 ऊष्मा धरातल की कम हो जाती है। यही कारण है कि ग्रीष्म काल की रात्रियों में जब 10-11-12 बजे तक गर्मी लगती है, लेकिन सुबह के टाइम क्या होने लगती है, हमें बढ़िया अच्छी सी थोड़ी थोड़ी सी नमी वाली ठंडी लगती है और हमें अच्छी खासी नींद आती है, यही कारण होता है, ठीक ना। अब मान लीजिएगा कि अब हम ग्रीष्म ऋतु की बात नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम दूसरी बात कर रहे हैं। मान लीजिएगा कि यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं और यहाँ पर धरातल है, जब सूर्य का प्रकाश धरातल पर आ रहा है इस सन से, जब सूर्य का प्रकाश कहां पर आ रहा है, जब सूर्य का प्रकाश कहां धरातल पर आ रहा है, तो यहां पर मान लीजिएगा वायुमंडल में, यहां पर मान लीजिएगा वायुमंडल में बादल निर्मित है, वायुमंडल में क्या है, तो यहां पर मान लीजिए वायुमंडल में बादल है, तो ये बादल क्या करते हैं, बादल जब ऊष्मा आती है तो ऊष्मा को रोकते हैं, ऊष्मा को रोकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ऊष्मा को नहीं रोक पाते, कुछ मात्रा में ऊष्मा को रोकते हैं, और कुछ मात्रा में ऊष्मा को रोकने के बाद अधिकांश मात्रा में ऊष्मा कहां पर आती, धरातल। तो धरातल जब दिन के समय तो अवशोषित कर लेगा, दिन के समय अवशोषित करता है, अब मान लीजिएगा रात हो गई, रात हो गई, अभी भी बादल है, अभी भी बादल है, तो रात में जब यहां से ऊष्मा वापस निकलती है, जब ऊष्मा धरातल से वापस जाती है, तो जो बादल छाए रहते हैं, बादल क्या करते हैं, इस ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोक लेते हैं, इस ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोक लेते हैं, और जब इस ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोक लेते हैं तो होता क्या है कि यह ऊष्मा हमारे वायुमंडल पे बनी रहती है, और जब हमारे वायुमंडल में ऊष्मा बनी रहेगी तो धीरे 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 हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर क्या कर देती है, हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ा देती है, हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ा देती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर ऊष्मा आ रही है, मान लीजिएगा इनपुट हो गया, ऊष्मा का आना इनपुट, और सतह से ऊष्मा का बाहर निकलना, और सतह से ऊष्मा का बाहर निकलना क्या कहलाता है, सतह से ऊष्मा का बाहर निकलना आउटपुट कहलाता है, सतह से ऊष्मा का निकलना आउटपुट कहलाता है। यदि इनपुट तो आ रहा है, आउटपुट अगर नहीं होगा तो आपको गर्मी लगेगी, उस गर्मी को उमस कहा जाता है, उस गर्मी को हमारे आम भाषा में उमस कहा जाता है। आप देखिएगा अभी जून जुलाई आएगा जब बादल छाए रहते हैं, अब देखिएगा अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल आएगा, अभी मार्च अप्रैल में आपको उमस नहीं लगती, क्यों, क्योंकि बादल नहीं पाए जाते, मार्च अप्रैल के समय हमें उमस भरी दिन नहीं होते हैं। तो उमस भरी दिन मार्च अप्रैल में इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि मार्च अप्रैल में जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा क्षोभ मंडल है, वह एकदम स्वच्छ होता है, एकदम साफ होता है, तो नीचे से जितनी भी ऊष्मा जाती है वो बाह्य अंतरिक्ष में आराम से जा सकती है। लेकिन मार्च अप्रैल के बाद जब जून जुलाई, जुलाई आते आते जब वर्षा होने लगती है तो आप देखते हैं बादल छाए रहते हैं,
और जब बादल छाए रहते हैं तो बादल एक तो सूर्य के ऊष्मा को नहीं आने देते, हमें चिपचिपी सी गर्मी लगती है, और जो ऊष्मा धरातल पर आ भी जाती है, उस ऊष्मा जो धरातल से बाहर निकलती है जब, तो वो बादल बाएं अंतरिक्ष में उस ऊष्मा को जाने से रोक लेते हैं। जब बाएं अंतरिक्ष में ऊष्मा को जाने से रोक लेते हैं तो हमें उमस लगने लगती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उमस का क्या कारण है, तो उमस का कारण है बादल। या उमस कब पाई जाएगी, जब अंतरिक्ष में, जब वातावरण में क्या पाए जाएंगे, जब वातावरण में बादल पाए जाएंगे तभी क्या होती है, तभी उमस होती है, तभी क्या पाई जाती है, तभी उमस पाई जाती है। ठीक ना, आइएगा हम उमस को आपको एक दूसरे तरीके से समझाते हैं। उमस मान लीजिएगा आपके पास एक रूम है, मान लीजिएगा आपके पास रूम है और ये आपका गेट है, और यहां पर आपकी एक विंडो लगी हुई है, यहां पर आपकी एक विंडो है, और इस विंडो में मान लीजिएगा आपने कूलर रखा हुआ है, इस विंडो में मान लीजिएगा आपने कूलर रखा हुआ है, इसमें एक भी एग्जॉस्ट फैन है यानी निकास द्वार एक भी नहीं है, इसमें एक भी वेंटिलेशन नहीं है। ठीक ना, जब यहां से आप पंखा चलाएंगे अपना, जब यहां से कूलर चलाएंगे, तो जब यहां से कूलर चलाएंगे तो हवा जा रही है यानी इनपुट हुए, और अगर आपने ये गेट अपना बंद कर लिया, अगर ये गेट बंद करके आप सो रहे हैं और पंखा चला रहे हैं, आप देखिएगा आपको हवा नहीं लगेगी। आपको कुछ समय तक तो 5-7-10 मिनट तक तो हवा लगेगी, लेकिन उसके बाद हवा लगना क्या हो जाएगी, उसके बाद हवा लगना बंद हो जाएगी। और जैसे ही आप ये अपना गेट खोल देंगे, आप देखिएगा आपको कितनी अच्छी हवा लगेगी, सेम टू सेम यही है। गेट मतलब बादल, जब ऊष्मा आ रही यहां से, ऊष्मा यहां पर आ रही, मतलब यहां पर मान लीजिएगा हवा की बात हो रही, यहां पर ऊष्मा आई तो कमरे में ऊष्मा तो आ गई, लेकिन उस ऊष्मा में से कुछ ऊष्मा को जब तक परावर्तन नहीं होगा, जब तक उत्सर्जन नहीं होगा, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी, जब तक कमरा ठंडा नहीं होगा। यही कारण है कि कमरों में हम या तो एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं या कमरों में हम वेंटिलेशन बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमरे में जो एक ओर से हवा आ रही है, दूसरी ओर से हवा को क्या कर देता है, हवा को बाहर निकाल देता है। कंसेप्ट सही है ना, चलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि धरातल के शीतल होने का कारण, तो धरातल तभी शीतल हो पाएगा, धरातल तभी ठंडा हो पाएगा जब अंतरिक्ष में क्या नहीं होंगे, अंतरिक्ष में बादल नहीं होंगे। मार्च अप्रैल मई तक देख लीजिएगा, अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार के बादल ना होने के कारण, आकाश में किसी भी प्रकार के बादल ना होने के कारण हमें उमस का महसूस या उमस महसूस नहीं होती है, लेकिन जून जुलाई अगस्त में बहुत ज्यादा बादल होने के कारण हमें बहुत ज्यादा मात्रा में उमस की प्राप्ति होती है या उमस महसूस होती है। ठीक ना, तो ये होता है आपका एल्विडो और साथ ही साथ उष्मा। ठीक ना, अब आइएगा एक नए टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, और नया टॉपिक हमारा है वायुमंडलीय दाब। इसको हम वायु दाब भी कहते हैं, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, या इसी को हम वायु दाब कह दे रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या सीधा वायु दाब। ठीक ना, वायु दाब, अगर हम दाब का फॉर्मूला लिखें तो दाब का फॉर्मूला होता है P बराबर एफ अपॉन ए। यहां पर P क्या है, तो P है दाब, F क्या है, F है बल, और A क्या है, एक है क्षेत्र, A क्या है, A क्षेत्रफल, A क्या है, तो A क्या है, A है क्षेत्रफल। ठीक ना, समझिएगा हम डेफिनेशन बना रहे हैं आपको। ठीक ना, तो दाब, अगर दाब की डेफिनेशन दें तो दाब की डेफिनेशन ये होती है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। एकांक, फिर से बोला हूं, एकांक क्षेत्रफल पर या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। हम दाब नहीं पढ़ रहे हैं, हम वायुमंडलीय दाब पढ़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे वायुमंडल के द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर, वायुमंडल के द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। फिर सुन लीजिएगा, वायुमंडल के द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को वायु दाब कहा जाता है। ठीक ना, अब हम वायु दाब या वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल में होती क्या है, बेसिकली वायुमंडल में क्या होती है, तो वायुमंडल में तो क्या पाई जाती है, वायुमंडल में गैसें पाई जाती है, या वायुमंडल किससे निर्मित होता है, वायुमंडल गैसों से निर्मित होता है। अब इसकी सही डेफिनेशन ये है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के द्वारा एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। ठीक ना, वायुमंडल में क्या पाई जाती है, गैसें, तो वायुमंडल में, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के द्वारा
एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को, लगने वाले बल को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब कहा जाता है या वायुमंडलीय दाब कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक ना। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब या वायुदाब, ठीक ना। दूसरी बात यह है कि जो वायुदाब है, वायुदाब, वायुदाब का गैसों की सघनता से, गैसों की सघनता से वायुदाब का सीधा संबंध होता है। गैसों की सघनता से वायुदाब का कैसा संबंध होता है, तो गैसों की सघनता से वायुदाब का सीधा संबंध होता है। वायुदाब का कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। इसका मतलब यह है कि अगर गैसों की सघनता बढ़ेगी तो वायुदाब या दाब बढ़ेगा, हाला में बात वायुदाब की हो रही, वायुदाब। और यदि गैसों की सघनता घटेगी तो वायुदाब में क्या आएगी, वायुदाब में कमी आएगी, वायुदाब में क्या आएगी, वायुदाब में कमी आएगी। चलिए उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं बाबू, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जैसे जैसे आप मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाएंगे, तो जैसे जैसे हाइट में वृद्धि होती है, जैसे जैसे हाइट में वृद्धि होती है, वैसे वैसे गैसों की सघनता में भी कमी आती है। गैसों की सघनता में कमी। अब बताइएगा, अगर गैसों की सघनता में कमी आ रही है, गैसों की सघनता में कमी आएगी तो वायुदाब में भी क्या आएगी, तो वायुदाब में भी क्या आ जाती है, गैसों की सघनता में कमी आएगी तो गैसों की सघनता में कमी आने पर वायुदाब में भी क्या आ जाएगी, वायुदाब में कमी आ जाएगी, वायुदाब में क्या जाएगी, कमी। अब बात समझ गए, यानी ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुदाब कम होगा, तो ऊंचाई का वायुदाब से विपरीत संबंध होता है। ऊंचाई का वायुदाब से कैसा संबंध होता है, देखिए आपको ऐसी इक्वेशन याद रखने हैं, ऊंचाई का वायुदाब से कैसा संबंध होता है, ऊंचाई का वायुदाब से सीधा संबंध होता है, सॉरी विपरीत संबंध होता है। अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुदाब कम होगा और ऊंचाई घटेगी तो वायुदाब अधिक होगा। आपसे पूछा जाता सर्वाधिक वायुदाब कहां पाया जाता है, माउंट एवरेस्ट पर, या सॉरी सर्वाधिक वायुदाब कहां पर कम पाया जाता है, सबसे कम, तो सबसे कम, या ऐसे समझिएगा कि यदि ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुदाब में क्या आएगी, वायुदाब में कमी आएगी। विश्व में सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अधिक है, जब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अधिक है तो वहां पर वायुदाब क्या होगा, वायुदाब कम होगा। यही कारण है, या पहले इसको समझाते हैं, गैसों की सघनता में कमी, ऊंचाई। आपने देखा होगा जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोही हम उन्हें कहते हैं जो पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं, पर्वतारोही उन्हें कहा जाता है जो पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं। पर्वतारोही आमतौर पर जिस प्रकार के कपड़े हम और अभी आप यहाँ पहने हुए, इन कपड़ों में चढ़ाई आप नहीं कर सकते। यदि इन कपड़ों में आप चढ़ाई करेंगे तो इतना कम वायुदाब हो जाता है ऊपर जाने पर कि आपके जो शरीर की मांसपेशियां हैं उनके फटने का डर रहता है। इसलिए नायलॉन या अच्छे प्रकार के बनाए जाते हैं कपड़े, वो पहन के जाया जाता है। दूसरी बात कि जब आप, जब भी अगर ऊंचाई पर चढ़ने वाले लोगों को देखिए, या भविष्य में कभी आपने चढ़ाई की, तो जब आप ऊंचे स्थानों पर जाएंगे तो सांस लेने में समस्या होने लगती है, सांस लेने में समस्या होने लगती है। सांस लेने में समस्या इसलिए होती है कि जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे गैसों की सघनता में कमी आएगी, और गैसों के अंतर्गत ऑक्सीजन की मात्रा में भी क्या आएगी, ऑक्सीजन की सघनता में भी कमी आएगी, और जब ऑक्सीजन की सघनता में कमी आ जाएगी तो हमें सांस लेने में समस्या होने लगेगी, और सांस लेने में जब हमें समस्या होने लगेगी तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने के लिए हम पहले ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर अपने पास लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर पीछे टांग लेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं, ठीक ना। तो ऊंचाई जाने पर सबसे कम वायुदाब कहां पर होगा, पर्वतों पर, ठीक ना। यही कारण है, इसी इक्वेशन से लिख दे रहे हैं, पर्वतों पर सबसे कम वायुदाब, पर्वतों पर सबसे कम वायुदाब पाया जाता है,
पर्वतों पर सबसे कम वायु दाब एवं समुद्र की सतह पर सर्वाधिक वायु दाब पाया जाएगा। सर्वाधिक वायु दाब, ठीक ना। समुद्र की सतह पर मान लीजिएगा समुद्र है, ये समुद्र की सतह है, मान लीजिएगा यहां पानी है, तो समुद्र की सतह पर सर्वाधिक वायु दाब क्यों पाया जाएगा? समुद्र की सतह पर वायु दाब सर्वाधिक पाया जाएगा, यानी वायु दाब अधिक कहां पाया जाएगा? जहां पर ऊंचाई कम होगी, ठीक ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहां पर गैसों की सघनता अधिक होती है। यहां पर वायु, कोई भी समुद्र या सागर है, उसकी सतह पर सबसे अधिक क्या होता है? उसकी सतह पर सबसे अधिक वायु दाब पाया जाता है, क्योंकि वहां पर जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है पानी की सतह पर, उसका बाष्पीकरण होता है, और बाष्पीकरण के द्वारा जलवाष्प की प्राप्ति हो जाती है, और जलवाष्प एक भारी गैस होती है। गैसों की सघनता में वृद्धि कर देती है, और जहां पर गैसों की सघनता में अधिकता होगी वहां पर वायु दाब भी अधिक होगा। आपको दो चीजें याद रखनी है, पर्वतों पर वायु दाब कम और समुद्री सतह पर वायु दाब अधिक होता है, ठीक ना, अधिक होता है। अगला देखिएगा, जो वायुदाब है, इस वायुदाब को बैरोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर की जो इकाई की बात कर रहे हैं, इसकी यूनिट यानी इसकी इकाई, तो बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर की इकाई क्या होती है? इसको मिलीबार में भी माप सकते हैं। इसको किस में माप सकते हैं? इसको मिलीबार में भी मापते हैं, ठीक ना। किस में मापते हैं? मिलीबार, या इसको मिलीबार में मापते हैं। किस मापते हैं? मिलीबार। वायुदाब को हम किस मापते हैं? मिलीबार में माप लेते हैं। जलवायु विज्ञानकों ने इसके लिए मिलीबार इसकी इकाई दी है, ठीक ना। उसके बाद अगर मान लीजिएगा आपके पास बैरोमीटर है, मान लीजिएगा इस प्रकार से है, और इस प्रकार से होता है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर चार है, यहाँ पर मान लीजिए पांच है, और यहाँ पर बैरोमीटर में एक निशान होता है, मान लीजिएगा यहाँ पर अभी सुई यहाँ पर है, यानी यहाँ पता चला कि वर्तमान समय में 3 मिलीबार का वायु दाब है। कितना है? 3 मिलीबार का वायु दाब है। कितना है? 3 मिलीबार। यदि इसके पाठ्यांक में अचानक से कमी आ जाती है, तीन से गिर के ये मान लीजिएगा एक हो जाता है, तो बैरोमीटर के पाठ्यांक का मतलब होता है इसका जो माप है उसमें कमी, बैरोमीटर के पाठ्यांक में यदि कमी हो जाती है, तो बैरोमीटर के पाठ्यांक में कमी तूफान का संकेत देती है। किसका? तूफान का संकेत। जब भी बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होगा उसमें कमी आएगी, उसमें गिरावट आएगी, तो ये मान लिया जाता है कि मौसमी तूफान या तूफान आने वाला है, ठीक ना। और अगर इसमें लगातार वृद्धि होती रहे पाठ्यांक में वृद्धि साफ मौसम का सूचक होती है। साफ मौसम या स्वच्छ अंतरिक्ष का सूचक, ठीक ना। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। यदि बैरोमीटर के पाठ्यांक में कमी आती है तो तूफान आने की संभावना है, और अगर पाठ्यांक में वृद्धि होती है तो साफ। और मान लीजिएगा ऐसा हो जाए, पहले गिरे और फिर उठे, बैरोमीटर में यदि ऐसी संभावना बढ़ जाती है, पहले कमी हो जाती फिर वृद्धि हो जाती है, तो बैरोमीटर के पाठ्यांक में पहले कमी और फिर वृद्धि होती है, तो इसको मान लिया जाता है वर्षा का सूचक होता है। वर्षा होने की संभावना है, क्या होता है? वर्षा का ही सूचक। किसका सूचक हो जाता है? वर्षा का यह सूचक हो जाता है, ठीक ना। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है बैरोमीटर से संबंधित। बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब मापा जाता है, इसकी इकाई मिलीबार होती है, कहीं कहीं पे पास्कल भी लिखा रहता है, मिलीबार या पास्कल, ठीक ना। और यदि बैरोमीटर के पाठ्यांक में कमी आती है तो तूफान का संकेत या तूफान का सूचक है। पाठ्यांक में यदि वृद्धि होती है तो साफ मौसम या स्वच्छ अंतरिक्ष का सूचक है। और यदि पहले कमी एवं फिर वृद्धि होती है तो वर्षा
वर्षा का सूचक होता है कि वर्षा होने की संभावना अधिक हो रही है, वर्षा होने की संभावना अधिक हो रही है, ठीक ना। तो ये चीजें हैं, ठीक ना, चलेगा। उसके बाद हमेशा याद रखना है आपको कि जो वायुदाब है, वायुदाब है, इसका तापमान से विपरीत संबंध होता है। वायुदाब का किससे विपरीत संबंध होता है? तो वायुदाब का विपरीत संबंध होता है तापमान से। वायुदाब का विपरीत संबंध होता है किससे? तापमान से। यदि वायुदाब अधिक होगा तो तापमान कम होगा, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि तापमान का विपरीत संबंध होगा किससे? वायुदाब से। तापमान का विपरीत संबंध होता है किससे? वायुदाब से। यदि तापमान अधिक है, यदि तापमान अधिक है तो वायुदाब कम होगा, प्रेशर कम होगा, और इस प्रेशर को हम लो प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? लो प्रेशर। और यदि तापमान कम है तो प्रेशर अधिक होगा, और जब प्रेशर अधिक होगा तो इसी को हम हाई प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई प्रेशर कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर मैं केवल अभी दो चीजें बता रहा हूं। यहां पर 0 डिग्री अक्षांश है, यहां पर 90 डिग्री नॉर्थ है, और यहां पर 90 डिग्री साउथ है। 0 डिग्री है, 90 डिग्री नॉर्थ है, और 90 डिग्री साउथ है। हम जानते हैं कि 0 डिग्री पर तापमान अधिक होगा और 90 डिग्री पर तापमान कम होगा। 0 डिग्री पर तापमान अधिक होगा और 90 डिग्री पर तापमान कम होगा। इस इक्वेशन के आधार पर देख लीजिएगा, यदि यहां पर तापमान अधिक है तो यहां पर प्रेशर कम होगा, और जब यहां प्रेशर कम होगा तो यहां पर कौन सा प्रेशर बनता है? तो यहां पर विषुवत रेखीय क्षेत्र में लो प्रेशर बनेगा, जबकि यहां पर तापमान कम होने के कारण यहां पर कौन सा प्रेशर बन जाता है? हाई प्रेशर। और यहां पर भी कौन सा प्रेशर बन जाता है? तो यहां भी जो प्रेशर बनता है उस प्रेशर का नाम है हाई प्रेशर। हरा में वायुदाब की जो पेटियां वो तो साथ हैं, केवल हम अभी इतना बताएं कि अगर कहां पर टेम्परेचर अधिक होता है वहां पर कौन सा प्रेशर बनेगा, जहां पर टेम्परेचर अधिक है कौन सा प्रेशर, जहां पर कम है तो कौन सा प्रेशर, ठीक ना। चलिए, तो आज का ये टॉपिक हो गया। एक बार से मैं आप लोगों को फिर से अवगत करा देता हूं कि क्लासें बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। जो भी सदस्य आप लोगों में ऐसे देख रहे हैं जो हमारे पीसीएस के प्री या मेंस बैच में ज्वाइन किए हुए हैं, उसे एडमिशन लिए हुए हैं, वो आपको बता सकते हैं। और प्लीज आप लोग बताइएगा कि कितनी ईमानदारी पूर्वक क्लासें चल रही हैं। यदि आप हमारे प्री वाले कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक नंबर है 9170509670। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से यूपीपीसीएस प्री एंट्री लिखकर भेजना है। एडमिशन की प्रक्रिया आपको समझा दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू।